वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे सुबह के 8। तो देखो हमारे खिड़की में कितनी अच्छी धूप आई है, दिखाओ। देखो सूर्य नमस्कार कीजिए अंडे पर, जब कबूतर के अंडे हमारे खिड़की में दिए हैं गमले के अंदर। सो दिखाते हैं, वो उस गमले में है, देखिए ये वाला गमले में आओ। देखिए गाइस, ये वाले गमले में दो अंडे हैं। एलोवेरा के पेड़ में जो मैंने आपको दिखाया था ना दूसरे ब्लॉग में, हमारा एलोवेरा का पेड़ था। देखिए गाइस, दो अंडे। मैं बताऊँ ना, पहले तीन अंडे थे, कल ही थे तीन अंडे ना, और फिर एक पता नहीं आज गायब हो गया। मैंने जब सुबह आके देखा तो दो अंडे, पहले ही ये अंडा उधर था उस वाले गमले में। और गाइस अभी हम लोग इन पौधों को पानी भी देते हैं सुबह सुबह। फ्लावर्स कितने सारे आ गए, देखो मस्त वाले फ्लावर्स। अब यही सारे पूजा पे रखेंगे और फिर इन्हें पानी भी देंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें पानी देते हैं, ठीक है? हाँ, तो गाइस अब हम लोग पानी देंगे मम्मी। हमें ये कैसे से रोप आला था, इधर एक अलग ही पौधा उग रहा है गाइस। आप इधर देख सकते हैं, इधर लग ना, इधर ये वाला, ये हमने तो नहीं लगाया था, पता नहीं शायद इसका बीज आके गिर गया होगा नीचे, दो तीन पेड़ ज्यादा हो गए। पानी खत्म से दो मैं और कल गली। अभी एलोवेरा में पानी तो नहीं डाल सकते, मम्मी का फेवरेट प्लांट। अभी मम्मी मुझे बोल रही है कि अगर वो सूख जाएगा तो तेरी धुलाई से पक्की है आज, क्योंकि मम्मी का ये फेवरेट है। मम्मी बालों पे लगाती है, मेरी मम्मी इसका ऑयल भी बनाती है। तो उसकी जगह अंडे दिए तो पानी पेड़ को उसे अंडे पे पानी भी नहीं डाल सकते ना, ये तो कबूतर नहीं बैठेगा, चला जाएगा ऐसे ही। और एक बाकी है, सो गाइस ये भी हमारे लास्ट प्लांट बाकी है। गाइस आज बिरयानी, दम बिरयानी होने के लक्षण दिख रहे हैं, मम्मी बहुत हैप्पी है। और क्योंकि दम बिरयानी बहुत सारा टाइम लगता है, पूरा 2-3 घंटा लगता है, तो मम्मी उतना बनाती नहीं है, बनाती है बट अभी वो दम बिरयानी हमें नहीं बना रही है। तो अभी दोपहर में देखते हैं खाने में क्या बनता है, ब्रेकिंग न्यूज। तो गाइस अभी मैं रेडी होके आ गई हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो कबूतर अभी भी उधर ही बैठा है, धीरे से लेके जब कबूतर उठ जाएगा उधर, हट चला गया। उसको जितनी घाई रहती है जब कोई अंदर पैर रखते है तभी चला जाता है, पता नहीं आज चलूंगी। आपको पता है ये इन दोनों में से ना एक अंडा ना ये वाले गमले में था, तो मैंने क्या करा उसको उठाया और वो वाले गमले में था। देर शाने से बोलते हैं, मुझे पता ना कि अगर से कोई छूता है ना तो कबूतर उसके ऊपर नहीं बैठता, उसकी मम्मी उसके ऊपर नहीं बैठती है, पता नहीं क्यों बट नहीं बैठती है। तो मैंने उसको उठा के ये वाले गमले में रख दिया तो उसकी मम्मी उसके ऊपर बैठ रही है। देखो अभी वो दो अंडे उधर ही है, देखिए इधर दो अंडे अभी इधर ही है। गाइस आपको झूठ लग रहा होगा, इधर तीन अंडे थे, तीन पूछ लो ना पापा, तीन अंडे थे क्या नहीं थे? हाँ। अरे कल दिखाया था, जब मैं कल सुबह उठी और मैंने अपने प्लांट्स को देखा ना तो मुझे को इधर तो दो अंडे थे, एक अंडा कहाँ से आया? मैंने अपना कैसे से किए, हाँ तीन अंडे। मैंने सबको घर को बता दिया तीन अंडे, पर एक कबूतर ने तीन अंडे कैसे दिए? तो एक अंडा चला गया गाइस, अच्छा कौवा उठा के ले गया। और अभी देखते हैं मम्मी खाने में क्या बनाती है, देखी न्यूज, बिरयानी या सादी बिरयानी या चिकन करी क्या बनता है। सो गाइस अभी देखते हैं खाने में क्या बनता है, करेला या फिर करेला भी बन
बन सकता है देखो गाइस, क्योंकि पापा को तो ज्यादा करेला ही पसंद है, किसी को नहीं पसंद वो पापा को पसंद है, हेल्दी भी रहता है और पापा के लिए अच्छा भी रहता है। चिकन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आज या फिर रात को गाइस। अब पापा ने बोला अभी जस्ट कबूतर आया था, आपने देखा होगा शायद, चला गया पागल ही है। उसकी मम्मी को मुझे दिखाना है आपको एक बार, तो मैं आपको बताती हूँ। ये इधर आता जैसे कोई ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है ना, ऐसे घूर घूर के दिखने लगता है और फिर ऐसे भी दिखने लगते भाग जाता है। दूसरे कबूतर ऐसे नहीं होते, इधर तक आ जाते हैं और उधर चले जाते हैं पूरा ना। पापा कल पापा का एक काम चल रहा था, कबूतर आया, मैं इधर बैठी थी, मेरा भाई इधर बैठा था, हम दोनों के सामने इधर से आया, चल चल के गया और इधर आके बैठ गया और कोई कुछ नहीं बोला। किचन के विंडो में से भी आते हैं और मैं आपको मिलती हूँ खाने के समय, जब चर्चे होंगे कि करेला बनेगा या दम बिरयानी बनेगी या ये क्या बोलते हैं चिकन करी बनेगी। गाइस गाइस कैसे आ रही हो, हम लोग इधर ही खड़े रहते हैं जब तक वो आती है। थोड़ा आवाज नीचे आ रही है, गाइस आ रही है उधर, ये नहीं नहीं वो नहीं आएगी, चली जाएगी, डरपोक मम्मी है वो, हमारे मम्मी जैसे नहीं है, स्ट्रॉन्ग मम्मी है, डरपोक मम्मी है। तभी भी बेचारी का एक अंडा चला गया, कौवा लेके गया होगा फेवरेट, ऑमलेट बना के खा रहा होगा। अभी तो इधर दिख रहा था सुबह सुबह, इधर लटक रहा था कौवा, उस वाले इधर लेके गया होगा। अच्छा हुआ ये दो तो छोड़ दिए। तो गाइस आपको मिलती हूँ जब चर्चे होंगे कि सब कुछ क्या बनेगा आज खाने में। तो अभी तो नहीं है, पता नहीं क्यों डरता है। दूसरे कबूतर तो हमारे से डरते ही नहीं है ना दीदी, हमारे से बेस्ट फ्रेंड बन के रहते हैं, यहाँ से वहां पता ही नहीं चलता। ये हमारे घर के कबूतरों का, इनकी सारे लोगों का, इधर बटरफ्लाईज भी आती है। और मैं आपको बताऊँ 5-6 बीच में ना इतने सारे पोपट आते हैं ना, आप बता ही नहीं सकते। मैं उसके ऊपर वीडियो निकालूंगी आज शायद। तो 5-6 इतने सारे पोपट आते, 10-15 पोपट आते, इतने इधर से बैठते हैं, इतने बड़े बड़े पोपट, लाल चुंज डर लगता है काटना जाए, इतने बड़े बड़े इधर से लेके इतने इतनी बड़ी रहती है। तो गमले के पीछे है गाइस, हमको चिमनी की आवाज आ रही है बीच में, दिखा रही है अपने अपना मुंह। चिड़िया डर सकती है, कितने बार करेंगे, खाओ उसका अपना। तो गाइस अभी देख सकते हैं कि कबूतर आ नहीं रहा है, ज्यादा भाव खा रहे हैं, तो ये जरा न्यू है ना, तो इसके लिए अभी कबूतर जो है तो हमारे जो फ्रेंड्स है, बट ये नहीं क्योंकि ये न्यू आया है ना, अभी इसको हमारी ये क्यूट से छोटे से गार्डन अच्छा लगता होगा। तो गाइस अभी खाने में क्या बनेगा देखते हैं, तो करेला बनेगा या फिर दम बिरयानी, तो ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ गाइस बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियोस कब आने वाले हैं, और आपको पता चलेगा कि हाँ वीडियो आया है। तो उसके लिए सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा बहुत ही जल्दी, बाय। जगह सस्ता है ऊपर।